और अब बात करते हैं उज्जैन की, जहां शहर में रविवार शाम हुई तेज बारिश से ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के नंदी मंडपम में पानी भर गया। बताया जाता है कि भारी बारिश के कारण परिसर की नालियां ओवरफ्लो हो गई थी। तेजी से पानी की निकासी नहीं होने के कारण नदी के मंडपम पालकी चौक में परिसर का पानी प्रवेश कर गया। पानी का प्रवाह तेज होने से पालकी चौक से होते हुए पानी नंदी मंडपम में भर गया। मंदिर प्रशासन ने ताबड़तोड़ सफाई कर्मचारियों को बुलाकर पानी की निकासी सुनिश्चित कराई और नंदी मंडपम को साफ किया। आपको बता दें कि तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश से देवास रोड की शिवधाम कावेरी रीजेंसी हिरदाराम कॉलोनी में कई पेड़ गिर गए, उससे कुछ मकानों को हल्का नुकसान भी हुआ है। इन कॉलोनियों में महीने से नगर निगम ने सफाई नहीं की थी, जिसके कारण बारिश के पानी से नालियां ओवरफ्लो हो गई और गंदगी सड़क पर आ गई। वही मामले में रहवासियों का कहना है कि मानसून के पहले ही बारिश में ही अगर ये स्थिति है तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ेगी। नगर निगम को कॉलोनियों की नाली को साफ करवाना चाहिए। वही पंथ पिपलाई क्षेत्र में शनिवार रात को हुई बारिश से गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। 8 बजे शुरू हुई बारिश रात 11 बजे तक चलती रही। शाम को ठंडी हवा चलने लगी थी। वही आसपास के लोगों ने बताया कि इस राहत की बारिश से किसानों को लाभ होगा। कायथा में भी रविवार को लगातार दूसरे रोज शाम तेज बारिश हुई। 1 घंटे चली बरसात से सड़कें तरबतर हो गई, खेतों में पानी भर गया। वहीं बारिश के दौरान तेज हवा से बिजली भी गुल हुई। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को परेशानियों का भी खासा सामना करना पड़ा। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।